आज की वीडियो में मैं आपको फोरियर सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपका सब्जेक्ट चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स, चाहे आप बीएस कर रहे हैं या एमएससी, हर सूरत में आपको ये वीडियो जो है इंतहाई फ्रूटफुल साबित होगी आपके लिए। वैसे तो बेसिक से लेके मैं कंप्लीट डिटेल्स हर चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन स्पेशली जीसी यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर मैं फोकस करूँगा और उस लिहाज से आपको चीज़ें बताऊँगा। आपको ये भी बताऊँगा कि प्रॉब्लम्स को आपने कैसे सॉल्व करना है, उसमें क्या टेक्निक्स आपने अप्लाई करनी है, कौन से फार्मूलाज आपको आने चाहिए, यानी आपको जो भी चीज़ इस चैप्टर को समझने के लिए रिक्वायर्ड है वो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फोरियर सीरीज़ है क्या है। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स क्या होता है, कोई फंक्शन है, मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर जो है वो एक फंक्शन हो सकता है, या 3x² + 2x + 1, इस तरह से कोई भी फंक्शन हो सकता है यहाँ पे, और उसको अगर हम इस फॉर्म में लिख सकें तो ये फोरियर सीरीज़ कहलाएगी, यानी उसको साइन और कोसाइन के मजमूए के तौर पर लिखा जा सके। अब इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं कि ये क्या आपके सामने लिखा हुआ है। ये समीशन है। समीशन का क्या मतलब होता है? मजमूआ बहुत सारी टर्म्स का जो है वो ऐड करें तो वो आपके सामने समीशन आती है। तो अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते हैं इस टर्म में, इस समीशन के अंदर, तो ये वाली टर्म जनरेट होती है। n को 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म्स जनरेट होगी। तो जब आप n को 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो ये सारी समीशन जनरेट हो जाएगी। सिमिलरली ये जो सेकंड समीशन है इसकी ये वैल्यू आपके सामने लिखी हुई। तो हम दोनों समीशन्स की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास टोटल जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से आ जाता है। तो मतलब ये है कि अगर हम किसी फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकें, कॉज ऑफ एक्स प्लस कॉज 2x प्लस कॉज 3x प्लस ऑन, इसी तरह साइन एक्स साइन 2x साइन 3x इस फॉर्म में लिख सकें, तो ये उसकी फोरियर सीरीज कहलाएगी। अब यहाँ पे a नॉट a वन a टू a थ्री ये क्या चीज़ हैं? ये सारे जो हैं b वन b टू b थ्री ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं और इनकी वैल्यू फंक्शन टू फंक्शन वेरी करती है। हर फंक्शन के लिए इनकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है और हमें अलहदा से फाइंड करनी पड़ती है। फोरियर सीरीज़ को समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। एक ऐसा फंक्शन जिसमें कोई कॉन्स्टेंट नंबर अगर आप ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क ना पड़े, पहले वाली वैल्यू ही रहे, तो इसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स में साइन फंक्शन हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसमें साइन के अंदर हम अगर एक्स के अंदर 2π ऐड करते हैं तो साइन की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या डिग्रीज में कह लें तो 360 डिग्रीज। उसी तरह कॉज में भी अगर एक्स में 2π रेडियंस ऐड कर दें आप तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कॉज ऑफ एक्स ही रहेगा। तो ये जो है ये आपके सामने दो पीरियोडिक फंक्शन की एग्जाम्पल्स हैं और आपको पीरियोडिक फंक्शन के बारे में कुछ बताया। अब हम स्टडी करते हैं फोरियर सीरीज़ पे आते हैं, जो हमारा असल टॉपिक था जिसके लिए हम ये थोड़ी सी दरमियान में बात की, वो ये है कि क्या हर फंक्शन को हम फोरियर सीरीज़ के तौर पे लिख सकते हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसकी क्या रीजंस हैं? इसकी रीजंस ये हैं कि फोरियर सीरीज़ के तौर पर वही फंक्शन लिखा जाएगा जिसके अंदर ये मौजूद खसूसियात होंगी। सबसे पहले तो उसको पीरियोडिक होना चाहिए। ये समझ लें कि फंक्शन का पीरियोडिक होना क्यों ज़रूरी है। फंक्शन इसलिए पीरियोडिक होना चाहिए कि आपका जो फंक्शन है वो इक्वल है इस सारी चीज़ के, और आपको पता है कि यहाँ पे सारी टर्म्स जो हैं वो क्या हैं? पीरियोडिक है। और किसी भी टर्म में अगर आप x की जगह x+2π ऐड कर देते हो, x+2π ऐड कर देते हो, तो उस टर्म की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने टर्म मौजूद है, इसमें आप 2π ऐड करोगे, 2π पहले ही पीरियड है मैंने बताया आपको। यहाँ पे अगर आप x की जगह 2π ऐड करते हो तो इफेक्टिवली 4π ऐड हो जाता है। तो 4π भी अगर cos के फंक्शन में ऐड कर दें, 6π ऐड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह sin में 2π 4π 6π ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू पहले वाली ही रहेगी। तो जब देखें इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड पीरियोडिक है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी फिर पीरियोडिक होना पड़ेगा, या फिर दोनों चीज़ें इक्वल नहीं रहेंगी। तो इसलिए जो फंक्शन आपने लेना है उसका पीरियोडिक होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर ये मजीद कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं जो एग्जांपल्स की मदद से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये फंक्शन है आपके सामने, ये इसमें देखें अगर तो इसमें पीरियोडिक की कंडीशन पूरी नहीं हो रही, इसमें कोई भी वैल्यू आप ऐड कर देंगे तो पहले वाली वैल्यू नहीं आएगी, तो ये रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। लेकिन आपको ये चीज़ बताऊँ कि जो पीरियोडिक वाली कंडीशन है ये कंप्रोमाइज हो सकती है। अगर फंक्शन पीरियोडिक ना भी हो तो हम आगे जाके उसको बताएंगे आपको कि उसको पीरियोडिक बनाना कैसे, लेकिन जो बाकी कंडीशंस हैं वो बहुत असेंशियल हैं, उनको उन पर कंप्रोमाइज़ नहीं है। अब मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो अगर आप एक्स की जगह 25 पुट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, +-5। तो ये ऐसा फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड नहीं होगा, इसलिए इसकी फोरियर सीरीज़ बिल्कुल नहीं बनेगी।
अब ये फंक्शन ले लें अगर आप, तो इसमें अगर आप एक्स की जगह वन पुट कर दें तो ये इसकी जवाब जो है वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो ऐसा फंक्शन भी फोरियर सीरीज की फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता जो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए इन्फिनिट हो जाए। उसके बाद ये जो इतनी चीज़ है ये जस्ट एक डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए लिखी गई है। ऐसा फंक्शन आपको बहुत कम मिलेगा जिसमें फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ ना हो, इन्फिनिट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ हो। मिसाल के तौर पर ये फंक्शन है, अगर हम इस तरह से डिफाइन करें तो इस फंक्शन में इन्फिनिट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ है, हर डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट है लेकिन डिसकंटिन्यूटीज़ की तादाद इन्फिनिट है, इस वजह से इसको भी फोरियर सीरीज की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो वो इस लाइन का मतलब, अगर पहली दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो तीसरी कंडीशन डेफिनेटली फुलफिल होगी। अगर फंक्शन किसी भी पॉइंट पे इन्फिनिट नहीं होता तो उसमें डिसकंटिन्यूटी जो है वो भी फाइनाइट ही होगी, इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी तो लाई ही नहीं करेगी। लेकिन ये जो मैंने बताया है ये डिसकंटिन्यूटीज़ की तादाद के लिहाज से बताया। तो मेन चीज़ें जो बड़ी बड़ी हैं वो ये है कि फंक्शन पीरियोडिक ना भी हो, चल जाएगा आगे जाके बताएंगे आपको, फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फंक्शन का अगरचे पीरियोडिक होना ज़रूरी है फोरियर सीरीज़ बनाने के लिए, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि कंप्रोमाइज़ हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, थोड़ी अजीब बात लग रही होगी आपको। अगर फंक्शन पीरियोडिक नहीं है तो फिर हम उसको पीरियोडिक बनाने की कोशिश करेंगे, उसकी पीरियोडिक एक्सटेंशन करेंगे। कैसे, देखें ज़रा। अगर हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एस से और माइनस पाई से पाई तक ये हमने इंटरवल डिफाइन किया हुआ है, तो हम एक और फंक्शन ले लेते हैं जी ऑफ एक्स जो इस इंटरवल के अंदर एफ ऑफ एक्स के बराबर है लेकिन उसके बाहर इसके बराबर नहीं है, और इसके बाहर वो क्या है, ये फंक्शन पीरियोडिक है। कैसे पीरियोडिक है कि अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इस तरह से आएगा आपके सामने और सेम चीज़ रिपीट हो रही है, और अगर आप इस फंक्शन में एक्स की जगह एक्स प्लस टू पाई ऐड भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके बाद फंक्शन की आप ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, उसमें से टू पाई सब्ट्रैक्ट करके वो समहाउ पूरा हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक भी है और सिर्फ इस इंटरवल के अंदर इस फंक्शन के बराबर। तो चूंकि ये फंक्शन पीरियोडिक है जी ऑफ एक्स, तो इसलिए हम इसको फोरियर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी फोरियर सीरीज ये है। अभी हम ये नहीं बता रहे आपको कि ये आई कैसे है, वो आगे जाके स्टडी करना है हमने नेक्स्ट लेवल पे, लेकिन फिलहाल के लिए इस फंक्शन की फोरियर सीरीज हमारे पास मौजूद है और चूंकि इस इंटरवल के अंदर ये इसके बराबर है इसलिए हम इस फंक्शन को इस फोरियर सीरीज के बराबर कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल के अंदर। तो कहने का मकसद ये हुआ कि एक फंक्शन जो कि पीरियोडिक नहीं था लेकिन उसकी लिमिट्स थी माइनस पाई से पाई तक, तो हमने उसको पीरियोडिक बना लिया और उसके लिए फोरियर सीरीज बना लिया। अगर फंक्शन की लिमिट जीरो से टू पाई तक हो इंटरवल जो है तो फिर भी ये चलेगा, फिर भी हम यही काम कर सकते हैं। तो नतीजा ये निकला अभी तक की डिस्कशन से कि अगर फंक्शन जो है उसकी इंटरवल माइनस पाई से पाई तक है या इंटरवल जीरो से लेकर टू पाई तक है तो फंक्शन पीरियोडिक हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इवन ये सारा काम करने की भी जरूरत नहीं है। ये भी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, आपने डायरेक्टली क्रॉसपॉन्ड करते हुए उसकी फोरियर सीरीज पे जाना। अब आपके सेन में ये आ रहा होगा कि फंक्शन जो है उसका कितना पीरियड हो तो हम ये फोरियर सीरीज बना सकते हैं। आपके सामने ये जो सीरीज लिखी हुई है इसका पीरियड जो है वो कितना है, टू पाई के इक्वल है राइट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड चूंकि इक्वल होती है राइट हैंड साइड के इक्वेशन में तो दोनों का पीरियड भी हमेशा सेम होता है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स का पीरियड कितना होना चाहिए, टू पाई होना चाहिए। अगर टू पाई पीरियड नहीं है तो फिर इंटरवल के बारे में मैंने जैसे बताया कि माइनस पाई से पाई तक इंटरवल हो या फिर जीरो से टू पाई तक इंटरवल हो तो हम इसको इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। अदरवाइज फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम अब एक और कंडीशन लेते हैं कि लेट्स से कि फंक्शन पीरियोडिक तो है लेकिन पीरियड टू पाई नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, या फिर आपका फंक्शन इंटरवल में है लेकिन इंटरवल माइनस पाई से पाई की बजाय कोई और नंबर है, या जीरो से टू पाई की बजाय जीरो से लेके कोई और नंबर। तो ऐसी सूरत में आप जो पहले वाली फोरियर सीरीज सिंपल वाली हमने स्टडी की है वो नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि आपको ये वाली फोरियर सीरीज यूज़ करनी पड़ती है। इस वीडियो में हम इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको एक फंक्शन गिवन है, उसकी इंटरवल भी आपको बताई गई है, अब आपसे कहा गया है कि आप इसकी फोरियर सीरीज फाइंड करें। आपको पता है फोरियर सीरीज इसके इक्वल होती है, तो अब आपने करना क्या है, आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है फोरियर सीरीज फाइंड करते हुए। आपने कॉस एन एक्स साइन एन एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, उसके अलावा बाकी चीज़ें आपने फाइंड करनी है। आपने ए नॉट फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है, बी एन फाइंड करना है। इन सब के आपके पास फार्मूलाज मौजूद हैं, ए नॉट का फार्मूला ये है, ए एन का और ये बी एन का।
पहला स्टेप, जो पहला टारगेट आपका होगा कि आपने ये फार्मूलाज जो हैं वो याद करने हैं। आपको ये इसके बारे में कंसर्न रखने की ज़रूरत नहीं कि ये कहाँ से आए हैं, इनकी डेरिवेशन काफ़ी लंबी है और इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में नहीं बताने जा रहा, और ना ही वो आपके सिलेबस से रेलिवेंट है। तो आप जस्ट फार्मूलाज को याद करने पर जोर दें। कैसे याद करेंगे उसका मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। ए एन के साथ यहाँ कॉस एन एक्स आ रहा है, यहाँ पर भी कॉस एन एक्स है ए एन की वैल्यू में। बी एन के साथ यहाँ पर साइन एन एक्स आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू में भी साइन एन एक्स है। उसी तरह से ए नॉट जो है उसके साथ यहाँ पर देखें कुछ नहीं आ रहा और फार्मूले में भी कुछ नहीं आ रहा। सब के साथ वन ओवर पाई जो है वो बाहर आ रहा है, वो भी सेम है, याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। आपके इंटरवल माइनस पाई से पाई तक थी, आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी सबकी माइनस पाई से लेके पाई तक। अब आपके जहन में ये सवाल हो सकता है कि ए नॉट बाई टू क्यों लिखते हैं, क्योंकि किसी कांस्टेंट को टू से डिवाइड कर दें तो कोई कांस्टेंट ही जवाब आएगा, तो फिर ए नॉट ही सिंपली क्यों नहीं लिख लिया। तो अगर यहाँ ए नॉट लिखते तो यहाँ वन ओवर टू पाई लिखना पड़ता, फिर आपकी जो सिमिट्री है वो फार्मूलाज में वो ख़राब हो जाती। तो हमने फार्मूलाज में सिमिट्री रखने के लिए यहाँ पे ओवर टू लिखा हुआ है, लेकिन बाज़ बुक्स में ऐसे भी करते हैं कि वो यहाँ ए नॉट लिख लेते हैं लेकिन यहाँ पे टू लगा लेते हैं साथ। तो वो उस तरह भी किया जा सकता है, लेकिन हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी में नॉर्मली यही पैटर्न चलता है। अब अगर इस सीरीज़ को गौर से देखें, खोल के देखें, तो आपके सामने ये इस सीरीज़ के इक्वल थी जैसे मैंने पहले बताया था। तो जब आप ए एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसमें आपके पास एक जो रिज़ल्ट आएगा उसमें एन वन रखेंगे, आपके पास ए वन आ जाएगा, एन को टू पुट करेंगे ए टू आ जाएगा। तो इस एक फार्मूले से ही आपने ए वन ए टू ए थ्री सारे फाइंड कर लेने हैं। उसी तरह इस एक फार्मूले से ही आपने बी वन बी टू बी थ्री सारे ही फाइंड कर लेने हैं, और इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी। आगे जाके कुछ और चीज़ें भी आपको बताऊँगा जिससे आप ये इंटीग्रेशन वगैरह करने के काबिल हो जाएंगे, और वीडियो के बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये आप फाइंड कीजिएगा, वीडियो के दरमियान में नहीं कीजिएगा, वरना आपको थोड़ी सी हौसला शिकनी होगी क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर ये सवाल फंस जाएगा। अब अगर हमारी लिमिट्स जो है जीरो से टू पाई तक होती हैं, तो फिर इंटरवल जो है वो जीरो से टू पाई तक है, तो फिर हमने इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी जीरो से टू पाई तक कर देनी है, बाकी फार्मूलाज में कोई चेंज नहीं आने। फोरियर सीरीज को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का पता हो। सबसे पहले इवन फंक्शन क्या होता है, लेट्स से आपको ये फंक्शन गिवन है, अगर इसमें एक्स की जगह आप माइनस एक्स पुट करते हो तो स्केयर लेके माइनस का स्केयर प्लस हो जाता है, तो जवाब पहले वाला ही आ जाता है, यानी एफ ऑफ एक्स ही दोबारा रिपीट हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे। तो ऐसा फंक्शन जिसमें ये प्रॉपर्टी हो, यानी एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने से आपके फाइनल आंसर पे कोई फर्क ना पड़े, तो वो इवन फंक्शन होता है। अब आ जाएंगे आपके फोरियर सीरीज में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आपका फंक्शन इवन है तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये जो आपने फोरियर सीरीज लिखी हुई है ये सारी, इसमें कॉस जो है ये इवन फंक्शन होता है। आपने पढ़ा होगा कॉस की वैल्यू प्लस और माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस एक्स होता है। तो मकसद ये है कि जो ऊपर वाली सारी लाइन है इसमें सारी टर्म्स जो हैं वो इवन है, और नीचे वाली जो लाइन है इसमें सारी टर्म्स जो हैं वो ऑड है। इसलिए मैंने इसको ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे। तो ऊपर इवन टर्म्स हैं, नीचे ऑड टर्म्स हैं। अगर आपका फंक्शन इवन हो जाता है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इवन है, और राइट हैंड साइड भी फिर इवन होनी चाहिए क्योंकि इक्वल तो तभी होगी। तो फिर ये ऑड टर्म्स जो हैं इन सब की ज़रूरत नहीं है आपको। तो मकसद ये है कि फिर बी वन भी जीरो हो जाएगा, बी टू बी थ्री ये सारे ही जीरो हो जाएंगे। तो जनरली ये फार्मूला आप कह लें कि ये सारा जीरो के इक्वल आ जाएगा, तो आप बी एन की जगह जीरो पुट कर दोगे। तो सिर्फ इतना सा फर्क पड़ना है, लेकिन ये तब पड़ना है जब इंटरवल माइनस पाई से पाई तक होगा। अगर आपका फंक्शन ऑड है, ऑड फंक्शन क्या होता है, जस्ट लेट्स से कि एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है, तो अब आप इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते हो तो आंसर में के साथ नेगेटिव साइन आ जाता है, यानी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स बन जाता है। तो यानी ऐसी फंक्शन जिसमें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें तो फाइनल आंसर के साथ ही नेगेटिव साइन आ जाए, ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। जैसे साइन एक्स जो है वो एक ऑड फंक्शन की एग्जाम्पल है। अब अगर आपके पास फंक्शन ऑड है, जैसे लेट्स से ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स आपको गिवन हो, तो ये भी एक ऑड फंक्शन की एग्जाम्पल हो सकती है। तो इस फंक्शन को जब आपने फोरियर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे, इन फार्मूलाज में क्या चेंज आएगी। तो मैंने बताया आपको कि नीचे वाली पूरी लाइन ऑड टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ऊपर वाली लाइन जो है वो इवन टर्म्स को। अब फंक्शन आपका ऑड हो गया है तो आपको ये इवन टर्म्स की ज़रूरत नहीं है, तो इस लिहाज से ये टर्म भी जीरो, ये सारी भी जीरो हो जाएंगी, यानी ए नॉट भी आपका जीरो हो जाएगा, ए एन भी जीरो हो जाएगा, और बाकी जो है चीज़ वो एज इट इज ही रहेगी। लेकिन ये भी तब है होगा जब आपका इंटरवल माइनस पाई से पाई तक है। अगर आपका इंटरवल माइनस पाई से पाई की बजाय
जीरो से टू पाई तक हो, तो चाहे आपका फंक्शन ऑड हो चाहे इवन हो, आपको लग रहा होगा कि वो ऑड है या इवन है, वो असल में ऑड इवन नहीं होता, उसकी पीरियोडिक एक्सटेंशन जो होती है। तो इसलिए आपने फिर उस चक्कर में नहीं पढ़ना, आपने जस्ट इन फार्मूलाज को एज इट इज ही अप्लाई करना। एक और चीज़ आपको बताता चलूँगा, अगर आपकी फंक्शन की लिमिट्स माइनस पाई से पाई तक हैं और फंक्शन आपका ऑड होता है, तो इवन अगर आप कैलकुलेट भी कर लो ना इन इंटेग्रल्स को, तो इन इंटेग्रल्स का आंसर अपने आप भी जीरो ही आता है। तो ये सिर्फ आपको कैलकुलेशन से बचाने के लिए तरीका होता है कि आप इसकी जगह जीरो पुट कर दो। उसी तरह अगर आपका फंक्शन इवन हो तो उसमें आप इस इंटेग्रल को कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली जीरो आएगा। और मकसद ये है कि वो आपको कैलकुलेशन से बचाने के लिए, आपको टाइम बचाने के लिए हम डायरेक्ट से वहाँ पे बी एन जीरो पुट कर देते हैं, वरना अगर कैलकुलेशन कर भी लें तो कोई फ़र्क ना पड़े। स्टूडेंट्स, मैं अब आपको बताऊंगा कि आपने ये जो इंटेग्रल है इनकी वैल्यूज़ को कैसे एवेल्यूएट करना है। तो सबसे पहले देखें कि जो फोरियर सीरीज़ में इंटीग्रेशन आती है उसमें इन दो टर्म्स में स्पेशली दो फंक्शंस आपको नज़र आ रहे होते हैं, एक एफ ऑफ एक्स दूसरा कॉस एन एक्स, उसी तरह यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और साइन ऑफ एन एक्स। तो जब भी दो फंक्शंस हों तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी पड़ती है। तो पहले नंबर पर आपने वो फार्मूला याद रखना है जिसमें ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है ना। कुछ लोग इस तरह लिखते हैं, मैं नॉर्मली इसको इस तरह से लिखता हूँ, एक ही फार्मूला है, जिस तरह मर्जी आप समझ लें कि ये v एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है du यू ओवर डी एक्स, जिसकी इंटीग्रेशन का आपको पता है और इस पूरे फंक्शन की इंटीग्रेशन u के इक्वल है। तो हम इसको इक्वल लिखते हैं, पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस दूसरे की इंटीग्रेशन आएगी पहले, फिर दूसरे की इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव, और इस तरह से आगे डी एक्स आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला आना चाहिए आपको। उसके बाद साइन और कॉस से आपने डील करना है, इनकी वैल्यूज़ का आपको कुछ पता होना चाहिए। साइन 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और उसी तरह नेगेटिव साइड पे भी ये तमाम वैल्यूज़ पे 0 होता है। तो इसको जनरली लिख लेते हैं साइन ऑफ एन पाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे एन क्या है, एक इंटीजर है, चाहे ऑड है चाहे इवन है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं समझने की। इसके लिए तमाम पॉसिबिलिटीज़ में तमाम इंटीजर्स पे ये वैल्यू 0 आनी है। कॉस वाला केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कॉस 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई पे 1 के इक्वल होता है, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई पे माइनस 1 के इक्वल होता है। इसको जब एक जनरल फार्मूले की शक्ल देते हैं तो ये आता है कॉस ऑफ एन पाई इज इक्वल टू माइनस 1 टू रेज पावर एन। अब आपको पता है माइनस 1 की पावर एन जो है वो 1 के इक्वल होनी है जब एन इवन हुआ, जैसे यहाँ पे इवन, और ये माइनस 1 के इक्वल होनी है जब एन ऑड हुआ, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये ऑड है। अगर हमें गिवन हो कॉस ऑफ 2n पाई, तो 2n जो है वो हमेशा इवन होता है अगर n इंटीजर हो, तो फिर उस सूरत में इसका आंसर जो है 1 के इक्वल आता है। अगर यहाँ पे हमें गिवन हो 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 जो है वो ऑड होगा अगर n इंटीजर है, तो फिर इसका आंसर जो है माइनस 1 के इक्वल आएगा। उसी तरह 2n माइनस 1 भी ऑड होगा अगर n इंटीजर है, तो इन दैट केस भी इसका आंसर जो है वो माइनस 1 के इक्वल आएगा। साइन में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं की, क्योंकि साइन में तो आंसर 0 ही है हर सूरत में, कॉस में ये ज़्यादा आगे चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। कुछ बेसिक आपको डेरिवेटिव के फार्मूलाज ज़ुबानी याद होने चाहिए, जो आपके सामने ये गिवन है, बेसिक से डेरिवेटिव है यही बार बार यूज़ होते हैं, और इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं ये भी आपको जो है वो याद रखने पड़ेंगे। इसमें याद रखें कि अगर कॉस एन एक्स के इंटीग्रेशन हो रही है और लिमिट्स हैं माइनस पाई से पाई तक या फिर जीरो से टू पाई तक, और यहाँ पर भी अगर माइनस पाई से पाई तक लिमिट्स हैं या जीरो से टू पाई तक, तो इन दोनों का जो आंसर है वो आप लिमिट्स यहाँ पुट करके देख लें, वो जीरो के इक्वल आएगा। तो ये भी आपको ज़ुबानी याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आगे जो है वो कुछ और फार्मूलाज हैं जो कि फोरियर सीरीज में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स, एम और एन अगर डिफरेंट होंगे जवाब जीरो आएगा, अगर दोनों जगह सेम आ गया तो फिर जवाब पाई के इक्वल आएगा। उसी तरह से अगर इंटीग्रेशन की लिमिट्स माइनस पाई से पाई की बजाय जीरो से टू पाई हुई, तब भी यही चीज़ होल्ड करेगी। ये चीज़ हर उस सूरत में होल्ड करेगी जब तक ऊपर वाली लिमिट और नीचे वाली लिमिट का डिफरेंस टू पाई के इक्वल होगा। तो और साइन के लिए भी हम यही चीज़ इसी तरह लिख सकते हैं, और इसमें भी लिमिट्स का डिफरेंस जो है वो टू पाई के इक्वल होगा, तो ट्रू होगा। अगर एक फंक्शन साइन है दूसरा कॉस है, फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एम और एन सेम है या डिफरेंट है, फिर जवाब जीरो ही आना है जब तक ये लिमिट्स में डिफरेंस जो है वो टू पाई का हो, यानी माइनस पाई और पाई में भी डिफरेंस टू पाई का हो, जीरो और टू पाई में भी डिफरेंस जो है वो टू पाई का ही। आपको बाज़ दफ़ा जब फंक्शन गिवन होता है तो उसकी दो वैल्यूज़ गिवन होती हैं, स्टूडेंट्स नॉर्मली इसमें स्ट्रगल करते हैं। इसका थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी फंक्शन इस तरह से गिवन है आपको, तो आपने सपोज ए नॉट फाइंड करना है, तो आपने इंटेग्रल को इसी तरह जिस तरह ये दो इंटरवल्स हैं, आपने उसी तरह दो इंटरवल्स में स्प्लिट कर लेना। तो माइनस पाई से जीरो तक पहला इंटरवल है, वो माइनस पाई से जीरो तक एक इंटेग्रल आ गया, दूसरा जीरो से पाई तक है, दूसरा इंटेग्रल जीरो से पाई तक आ गया। यहाँ पे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इंटरवल यहाँ से ओपन है या यहाँ से ओपन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इस तरह से आपने कर लेना।
उसके बाद माइनस पाई से जीरो तक इसकी क्या वैल्यू है, माइनस पाई से जीरो तक फंक्शन आपको एक्स के इक्वल है, आपने इस इंटीग्रल में एक्स पुट कर देना है, जीरो से पाई तक इंटरवल जो इंटरवल है उसमें फंक्शन किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, तो उस इंटरवल में आपने फंक्शन को वन के इक्वल पुट कर देना है एफ ऑफ एक्स की जगह। तो ये चीज़ जो है इस तरीके से आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली जब आपने ए एन और बी एन फाइंड करने हैं तो उसमें भी यही वाली स्प्लिटिंग का मेथड यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अभी आपको जो मजीद चीज़ बतानी है वो ये है कि हम फोरियर सीरीज़ का फिजिक्स में या प्रैक्टिकल लाइफ में हमें क्या फ़ायदा होता है। अगर हमारे पास एक वेव हो जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वेव मोशन को, तो फिर हमें फोरियर सीरीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अकेला एक कॉज या एक साइन काफ़ी होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन हमारे पास बाज़ दफ़ा वेव्स कम्प्लेक्स हो जाती हैं, जैसे समंदर है उसमें वेव्स बन रही हैं, तो वो वेव्स इतनी आसान नहीं है, बहुत सारी वेव्स ऐड हो रही हैं। तो ऐसे जब लार्ज नंबर ऑफ वेव्स ऐड हो रही हों तो उसमें हम कम्प्लेक्स वेव्स को स्टडी करने के लिए फोरियर सीरीज़ का सहारा लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स है हमारे पास, क्वांटम मैकेनिक्स बिलीव ही इस बात पर करती है कि वेव में और मैटर में कोई फ़र्क नहीं है। तो जब भी हम क्वांटम मैकेनिक्स में मैटर को स्टडी कर रहे होते हैं तो नॉर्मली वेव्स की बेसिक्स पे कर रहे होते हैं, तो और वेव एक नहीं होती, बहुत ज़्यादा वेव्स होती हैं, इसलिए वहाँ पे भी फोरियर सीरीज इंपॉर्टेंट होती है। फिर उन फंक्शंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पीरियोडिक है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल के अंदर जो है वो पीरियोडिसिटी होती है, तो वहाँ पे जब आप वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो उसमें भी आपको फोरियर सीरीज से ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से इसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पूरी प्लेलिस्ट को देखिएगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएं।